पूर्वी दिल्ली के साउथ गणेश नगर इलाके से एक बड़ी खबर सामने है, जहां होली के दिन एक बड़ा हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि हाई टेंशन बिजली की तार की चपेट में आने से करीब 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, और साथ ही ये भी खबर आ रही है कि होली के दिन साउथ गणेश नगर में बिजली की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक महिला और 2 व्यक्ति जो बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अस्पताल के लिए नजदीकी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि छत पर होली खेलते वक्त पिचकारी की वजह से हाई टेंशन की चपेट में आने से तमाम लोग घायल हुए, जिन्हें आनंद पानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। आइए सुनवाते हैं मौके पर मौजूद एक चश्मदीद का बयान, आखिर क्या कहना है इस पूरी घटना को लेकर। क्या नाम है आपका? सतीश जी, क्या पता लगा था, क्या देखा था आपने? सर देखा तो यही था कि धमाका हुआ बहुत तेज का, हम लोग कमरे के अंदर थे, इतना तेज था कि बहुत तगड़ा वो जैसे आग चमकता है ना, बिजली चमकता है, उस तरह का धमाका हुआ, बहुत ब्लास्ट के साथ। हाँ, ब्लास्ट के साथ। तो हमारी छत पे कुछ लोग थे, 7-8 लोग थे, हैं, तो उन पे ये चीज़ हुआ, वो घायल हो गए। कौन कौन लोग थे, कुछ आइडिया? वो हमारे मकान मालिक थे, 2-3 रेंटर थे, बस ये 5-7 लोग थे। उनके मकान मालिक के बीवी बच्चे थे, 2 बच्चे थे, और खुद मियाँ बीवी थे, और एक रेंटर थे, वो 3 लोग थे। ठीक है, हाँ जी। तो वो लोग का मतलब कि बहुत बुरी तरह से वो लोग घायल हैं, जल गए, स्किन कर गई उनकी, हाल ठीक। हाँ जी,